हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको तीन ऐसी टिप बताऊंगी जिसके जरिए आप अपने पार्टनर की नीयत को समझ सकते हैं। शुरू करते हैं, आइए। टिप नंबर वन है, अगर आपका पार्टनर आपके लिए सच में सीरियस है तो वो कभी भी आपको हर्ट करने के बारे में नहीं सोचेगा। अगर उसे पता है कि आपको इन चीज़ों की वजह से दुख होता है तो वो कोशिश करेगा कि वह वो चीज़ ना करे। बट अगर एक बार वो चीज़ करने के बाद वो रिपीटेडली आपके कहने के बाद भी रिपीटेडली वो चीज़ें करे जा रहा है और आपको बार बार हर्ट करता है, तो समझ जाइए कि वो आपसे प्यार नहीं करता। और उसके अपोजिट, अगर वो कोई ऐसी चीज़ करता है जिससे आप हर्ट हो जाओ और फिर उसको ऐसे फील हो और वो इस बात से शर्मिंदा होकर अपने इस तरीकों को बदलने की कोशिश करे, तो आप समझ जाइए कि वो आपसे प्यार करता है। टिप नंबर दो, अगर कोई आपको मिस करता है तो वो हमेशा आगे से कॉल, मैसेज या कम्युनिकेट, मतलब कि आपसे बात करने की कोशिश करेगा, ना कि हमेशा सिर्फ आपके मैसेज और कॉल का रिप्लाई करेगा। तो इसका मतलब नहीं है कि वो आपको मिस कर रहा है। मिस करने का मतलब ये है कि इंसान खुद से आगे से भी आपसे बात करने की कोशिश करे, आगे से आपको अपनी फीलिंग जताए। तो अगर कोई आगे से आकर कॉल, मैसेज या मिलने का आपको बोल रहा है, तो इसका मतलब वो सच में आपको मिस करता है और वो सच में आपसे प्यार करता है। टिप नंबर थ्री है, अगर कोई आपसे सही में प्यार करता है तो कभी भी वो आपको कूड़े कचरे की तरह ट्रीट नहीं करेगा। वो हमेशा आपकी फीलिंग्स की, खुशी की, आपके इमोशंस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा और कभी भी वो दूसरों के सामने आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। बेशक आप पर्सनल दोनों एक दूसरे को कैसे भी बात करते हो, कैसे भी एक दूसरे से बिहेव करते हो, बट वो दूसरों के सामने हमेशा ध्यान रखेगा कि कोई ऐसी बात ना कहे या कोई कुछ ऐसा ना करे जिससे आपका दूसरों के सामने बेइज्जती हो। तो अगर ये तीनों चीज़ें आपके पार्टनर में पॉजिटिव वे में है तो समझ जाइए कि आपके पार्टनर की नीयत आपके लिए अच्छी है। बट अगर ये नेगेटिव वे में है तो आप समझ जाइए कि आपके पार्टनर की नीयत आपको लेकर ठीक नहीं है। अगर आपका मुझसे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अगर आप मुझसे चैट करना चाहें या अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे फ्रीली आप वहां पे चैट कर सकते हैं। थैंक यू।